गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौल वैली। तो हम निकल चुके हैं इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन को छोड़कर अगली डेस्टिनेशन के लिए। सारा ऑल सेट है, अब निकलेंगे एकदम आगे किसी और नई डेस्टिनेशन, किसी और विलेज के अंदर उसको एक्सप्लोर करेंगे। हाँ जी, तो ऑल सेट? ऑल सेट जोएल, ऑल सेट हो गए, चले। तो चलो दोस्तों चलते हैं आगे। और बहुत अभी थोड़ा सा ऑफ रोड है रास्ता, इसको पार करते हुए मेन रोड को टच करेंगे और मेन रोड से आगे चलेंगे। दिखाते हैं आपको आगे का सफर। चलो तो चलते हैं आगे। भाई ये पूरा रास्ता ऑफ रोड है, कम से कम आधा या एक किलोमीटर फिर आएगा मेन रोड। तब तक आप देखो सामने वाले एकदम पहाड़। सुबह सुबह यहाँ पर बहुत तेज मतलब बादल और ऊपर की तरफ थोड़ा सा फॉग टाइप कह लो वैसा हो रहा था, लेकिन जैसी धूप आई सारा गायब हो गया। देखो रात को यहाँ पर इतनी तेज आंधी तूफान था, लेकिन लोगों ने अपने टेंट तो लगाए ही है। लेकिन चलो अच्छा है, हमें तो बच्चों के साथ रिस्क नहीं लेना था, अपना अंदर आराम से एंजॉय किया। कहीं अच्छी लोकेशन होगी वहां पर जरूर कैंपिंग करेंगे इस तरह की। ये देखो बलून ने अपनी उड़ान वापस चालू कर दी है। चलो फाइनली रोड आ गई है, अब आराम से धीरे धीरे चलेंगे। भाई दिन में तो यहाँ पर गर्मी है, रात को और सुबह की यहाँ पर ठंड है। भाई खूब सारे होम स्टेज है यहाँ पे, और बार्गेनिंग करके अच्छा सा यहाँ पर आप होम स्टे ले सकते हो। ये 1500 से 2000 के बीच में आपको यहाँ पर रूम और टेंट मिल जाएंगे। रूम मिलेगा उसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप टेंट लेते हो तो उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है। ये देखो यहाँ पर पूरा पहाड़ लैंडस्लाइड हुई हुई है यहाँ पे। तो यार अभी सबसे पहले भराना है डीजल, ये लाइन लगी हुई है डीजल की, डीजल भरवाते हैं और फिर चलेंगे आगे। फाइनली हमारा नंबर आ चुका है। भाई कम से कम 45 मिनट्स यहाँ पर खराब हो गए, इसलिए मेरे हिसाब से सुबह सुबह यहाँ पर आ जाना चाहिए अपना डीजल पेट्रोल भरवाने के लिए। विंटर के टाइम में जब इन पहाड़ों पर बर्फ जमती होगी तो ये तो बिल्कुल अलग ही दिखते होंगे। पूरा यहाँ पर रोड पर भी बर्फ ही बर्फ रहती है। लोकल्स बता रहे थे कि यहाँ पर विंटर के टाइम में सिर्फ लोकल लोग ही अलाउड है, टूरिस्ट यहाँ पर बंद कर दिए जाते हैं, अटल टनल से उनको आगे नहीं आने दिया जाता है। यहाँ पे अच्छे खासे होम स्टेज अवेलेबल है। पूछते हैं यहाँ पर क्या रेट है। आप सामने का व्यू देखो, एकदम वही ग्लेशियर वाले पहाड़ और पीछे एकदम ग्रीनरी। तो अब इनसे रेट पूछते हैं ताकि इमरजेंसी में अगर आना हुआ तो यहाँ पर भी आप रुककर अपने कैंपिंग वगैरह कर सकते हो। 2000 रुपये में आप यहाँ पर स्टे ले सकते हो, और अगर खाना इंक्लूडिंग मील है तो 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप यहाँ पर मील जिसमें लंच ब्रेकफास्ट और डिनर ले सकते हो। और ये है एको कैंप्स रेस्टोरेंट्स है गोंडला विलेज के अंदर। तो साइड तो बहुत अच्छी है, पीछे आप देखो ग्रीनरी है और सामने है स्नोई माउंटेन्स। तो चलो एक बार आगे की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि कुछ और भी अच्छी लोकेशंस है नहीं है। एकदम शार्प यू टर्न आ रहा है नीचे की तरफ, पहले चढ़कर आए थे ऊपर की तरफ, अब जा रहे हैं नीचे की तरफ। और जैसे ही घूमेंगे आपको दिखेगा एकदम स्नो वाला पहाड़। ये देखो ये रहा सामने एकदम। हम जा रहे थे जिसपा और हमें लगी बहुत तेज भूख, और रास्ते में हमें मिली नदी के किनारे और सराउंडिंग इन इतने सारे पहाड़ों के बीच में एक प्यारी सी लोकेशन। तो जब भूख लगती है तो अपन अपनी कैंपर वैन का किचन खोलते हैं, और हमने खोल दिया हमारी कैंपर वैन का किचन और बनाना स्टार्ट कर दिया है मैक्रोनी। तो मैक्रोनी के लिए हो रही है सारी सब्जियों की चॉपिंग, जल्दी से बनाएंगे और उसके साथ निकलेंगे आगे। और हमारे यहाँ देखो ये छोटे चंगू मंगू बैठे हुए और अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं नदी किनारे। क्या कर रहे हो आप दोनों? क्या खेल रहे हो? पोकेमोन कार्ड खेल रहे हो? पोकेमोन, अच्छा। ये देखो ये हमें सिखा रहे हैं पोकेमोन नहीं पोकेमोन। और लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, लोकेशन ये है कि तांडी विलेज जब आ जाते हो तो बीच में एक पुल आता है, उस पुल से थोड़ा सा नीचे उतर कर ही आपको दिखेगी ये प्यारी सी नदी चंद्रा नदी, और जिसकी सराउंडिंग है इन पहाड़ों के बीच में। तो बस बहुत प्यारी लोकेशन है, जल्दी से अपना मैक्रोनी बनाएंगे और निकलेंगे आगे की तरफ। ये होते हैं कैंपर वैन के फायदे, रास्ते में कहीं पर भी अच्छी लोकेशन मिली, अपना कैंपर वैन का किचन खोला और जो मनपसंद जो आपको खाना है वो बनाना स्टार्ट किया। लोकेशन बहुत प्यारी है यार, एकदम प्यारी प्यारी ठंडी हवा चल रही है और बह रही है जोरों शोरों से चंद्रा नदी। मैक्रोनी में डालने के लिए जितनी भी वेजिटेबल्स है उसकी हो गई है चॉपिंग, और यहाँ पर हम डाल रहे हैं मैक्रोनी उबालने के लिए, और इसमें तैयार हो जाएगा हमारा मसाला।
तो यार जस्ट 15-20 मिनट लगेंगे ये सारा काम होने में, प्रिपेयर होने में, उसके बाद खाएंगे और आगे निकलेंगे जिस्पा की तरफ। तो जिस लोकेशन पे हम रुके हुए हैं वो है चंद्रा और बागा का संगम। तो इस तरफ से जो नदी आ रही है वो है चंद्रा नदी और उस तरफ से जो नदी आ रही है वो है बागा। तो चंद्रा और बागा जब मिलती है तो बनती है चंद्रा बागा और यही जब आगे चलती है तो बन जाती चिनाब जो जाती है पाकिस्तान की तरफ। तो यार बहुत ही प्यारी लोकेशन है संगम की। यहाँ पर हम बना रहे हैं हमारा एकदम प्यारा सा मैक्रोनी। अरे आप गाजर अच्छी लगती है आपको? मम्मी ने दो बार दिए। अच्छा डालती है टर्किश जो शेफ है उसकी तरह नमक, जो सॉल्ट पे शेफ है टर्किश उसकी तरह पूनम डालती है नमक तभी आता है हमारे खाने के अंदर डिलीशियस स्वाद। तो जब विंटर होता है यहाँ पर पूरी जगह बर्फ ही बर्फ होती है और जो टूरिस्ट का आना जाना होता है वो बिल्कुल भी बंद कर दिया जाता है, सिर्फ लोकल लोग यहाँ पर ट्रेवल करते हैं। तो सोचो कि जब यहाँ पर सारे पहाड़ों पर बर्फ गिर जाती होगी और इस रोडों पर भी बर्फ गिर जाती होगी तो यार ये जो एरिया है कितना जन्नत जैसा हो जाता होगा। एक बार कोशिश करेंगे कभी अगर अलाउ हुआ या ऐसे टाइम जब हमें यहाँ पर फुल बर्फ मिले जरूर आएंगे और करेंगे हमारी इसी तरह से कैंपिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी छोटी सी क्यूट सी किचन में। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ मैक्रोनी। तो यहाँ मेरी मैक्रोनी उबल रही है, यहाँ मेरी सब्जियाँ पक रही है और इसमें मैं डालने वाली हूँ स्पेशल तीन का तड़का। बताती हूँ चलिए फटाफट से क्या है तीन का तड़का। तो मैं इसमें ये तीन स्पेशल मसाले डालती हूँ, पेरी पेरी, पास्ता और ये है मैगी मसाला, जो कि मेरी मैक्रोनी को एक बहुत ही स्पेशल फ्लेवर देता है। आप भी ट्राई करिएगा, जो कि हम एंजॉय करने वाले हैं इन हसीन 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 वादियों में। पीछे बह रही है मेरे रिवर, यहाँ है मेरे माउंटेन साइड। वाह यार आज तो मजा ही आ जाएगा मैक्रोनी खाने। गया पेरी पेरी मसाला, मैगी मसाला, करेंगे इनको मिक्स। तो रिवर साइड बहुत प्यारी लोकेशन है कैंपिंग की। यहाँ पर कहाँ दिल्ली में टेम्परेचर हो रहा है 40-45 और यहाँ 17 डिग्री के अंदर हम रिवर साइड बना रहे हैं अपना खाना और मेरे पीछे है एकदम स्नो माउंटेन्स और एकदम ग्रीनरी और पेड़ की यार छांव जो गाड़ी के नीचे आ रही है और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है एकदम। तो यार ये इसमें डल रहा है जितना भी हमारा मसाला था मैक्रोनी के अंदर, जस्ट इसको मिक्स करेंगे और फिर खाएंगे अच्छी डिलीशियस मैक्रोनी। सेट विद मैक्रोनी, अब करते हैं अपनी कैंपर वैन को बंद और अलविदा करते हैं इस ब्यूटीफुल सी जगह को और निकलते हैं आगे की तरफ। चले जोयल? हाँ। चलो गाड़ी में बैठो। तो चलो दोस्तों इस जगह को अलविदा कहने का टाइम आ गया है, अब निकलते हैं मेन रोड से होते हुए जिस्पा की तरफ और मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ से हम अंदर आए थे। यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर आप कैंपिंग कर सकते हो रिवर साइड पे और सामने आप देख लो एकदम शानदार स्नो वाले पहाड़। यहाँ देखो लोगों ने अपने कैंप लगा रखे हैं, गाड़ी खड़ी भी है। तो ये ऊपर हल्की सी चढ़ाई चढ़ के और यहाँ पर आता है ये छोटा सा पुल, ये पुल मिला देता आपको टांडी विलेज की जो रोड जा रही है उसी के ऊपर। तो ये आ गया आपका टांडी ब्रिज। यार रास्ता बिल्कुल साफ है, एकदम प्लेन रोड है, कहीं पर भी टूटा फूटा नहीं है तो आराम से आप आगे की तरफ जा सकते हो। ये पहाड़ देखो ऐसे लग रहे हैं एकदम सर के ऊपर, थोड़ा सा यहाँ से निकलते समय थोड़ा सा डर तो लगता है। ये तिब्बतियन मंत्रों का पूरा एरिया
और छोटे से पुल से होते हुए हमें निकलना है आगे कैलोंग की तरफ। तो दोस्तों ये है पागा नदी, इसका प्रेशर देखो और कितना साफ पानी आ रहा है। और यही पागा नदी आगे जाकर मिलती है चंद्रा में और जो आगे बनती है चिनाब, और ये पूरे के पूरे तिब्बतीन मंत्रों के नीचे से ये बहते हुए पानी इतना शानदार दिख रहा है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि टूरिस्ट आगे ना जाएं, बहुत मिस हैपन काफी लोगों के साथ हो चुका है और जुर्माना है 5,000 रुपए। लेकिन आप देख सकते हो हमारे इंडियन फोटो खिंचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं और ठेठ आगे तक जा रहे हैं। हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि जब कोई रूल बना हुआ है तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन यार दृश्य देखो, एकदम ब्यूटीफुल नज़ारा। चलो आगे चलते हैं यहाँ से जिस्पा, जो कि 30 किलोमीटर और बचा है, 1 घंटे या पौन घंटे में हम जिस्पा पहुंच जाएंगे। सामने यार क्या मस्त पहाड़ दिख रहे हैं और बीच में हमारे प्यारा सा मंदिर। ये कैलोंग में पीछे भी थोड़ी देर पहले एक पेट्रोल पंप गया है, वो लास्ट पेट्रोल पंप है यहाँ पे। ये देखो पहाड़ सामने, ये है कैलोंग हमारा, 11,880 एल्टीट्यूड पर है ये। अभी हम खड़े जिस्पा के अंदर और हमारे पीछे आप देखो एक है थ्योथांग हाउस, और यहाँ पर हमें मिली है बहुत प्यारी कैंपिंग लोकेशन जहाँ हमने आज हमारा टेंट पिच किया है। तो हमारा आज बहुत मन था कि कहीं ना कहीं हम आज हमारा खुद का टेंट पिच करें, तो पीछे की जो जगह है वहाँ पर हमने हमारा टेंट पिच कर दिया है। और ये जगह है थ्योथांग हाउस और इसी के अंदर यहाँ पर अवेलेबिलिटी है आपकी टेंट पिच करने की। तो चलो दिखाते हैं आपको यहाँ का एरिया। तो ये यहाँ से आप आओगे नीचे, यहाँ पर है पार्किंग की फैसिलिटीज अवेलेबल, आप यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो। और सामने की तरफ आप देखो टेंट्स लगे हुए हैं, ये इनके पेड टेंट्स भी यहाँ पर है, अगर आप चाहो तो इनके टेंट्स भी यूज कर सकते हो अमाउंट देकर, रेंट पर देकर, और खुद का टेंट भी पिच कर सकते हो। तो अगर आप अपना खुद का टेंट पिच करते हो तो उसके चार्जेस है 500 रुपीज, और अगर आप इनका टेंट यूज करते हो तो उसके चार्जेस है 800 रुपीज। तो हमने तो हमारा टेंट पिच कर लिया है और सामने आप देखो एकदम स्नो वाले पहाड़ है जिसमें स्नो अभी नहीं है, लेकिन जगह बहुत प्यारी है। पूरा चारों तरफ सराउंडिंग है माउंटेन्स की और एकदम ग्रीन पैच है, ग्रीन ग्रास है, और उसके अंदर आप अपना टेंट पिच कर लो आराम से। और साइड में भी टेंट्स अवेलेबल है, अगर किसी को वैसे वाले टेंट्स चाहिए तो उसमें भी रुक सकता है। लेकिन जब इस तरह की जगह अवेलेबल है तो आप अपना टेंट पिच करो मस्ती से, खाना पीना बनाओ पार्किंग वाले एरिया में, यहाँ आके आप सो जाओ। तो मैं दिखाता हूँ अंदर हमारे चंगू मंगुओं को। तो ये देखो हमारे चंगू मंगू, क्या कर रहे हो आप? ये देख रहे हैं। मोबाइल देख रहे हो? आयरन मैन वर्सेस हल्क। अच्छा तो अभी हम थोड़ी देर में अपना डिनर प्रिपेयर करेंगे। हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत ठंडी हवा है, मतलब आप अनुमान लगा सकते हो। और पीछे हल्का सा पानी वाला स्रोत भी है जो आगे जा रहा है। बाकी इस पहाड़ के जस्ट नीचे चंद्रभागा वाली रिवर बह रही है जिसकी आवाज अगर आपको आ रही हो तो आप सुन सकते हो। तो ये पूरी प्यारी सी लोकेशन है जिसमें ग्रास के ऊपर टेंट लगे हैं और सामने है पहाड़ और यहाँ पर है थ्योथांग पैलेस होटल। तो अगर किसी को यहाँ पर रुकना है तो वो यहाँ पर भी रुक सकता है, 3,500 रुपए में यहाँ पर कमरा है। लेकिन लोग कैंपिंग करते हैं जिस्पा में आके, तो आज हमने हमारी कैंपिंग कर ली है। तो आज हम बना रहे डिनर में बिल्कुल सिंपल सी म्यूसली, क्योंकि हमने इससे पहले बहुत हैवी सैंडविच खा लिए थे और हमारा पेट है फुल, हमें कल ट्रैवल भी करना है आगे, तो फालतू पंगे करने से कोई मतलब नहीं है पेट के साथ, इसलिए हम आज सिंपल सा डिनर रख रहे हैं अपने पास। ये दूध गर्म हो रहा है मेरा, फिर इसमें डालूंगी म्यूसली और बस सिंपल सा डिनर, स्वीट एंड छोटा सा, स्वीट एंड शॉर्ट, और बस फिनिश करेंगे इसको। तो यार जल्दी से खत्म करते हैं म्यूसली और उसके बाद जाएंगे। क्या होता है? मूसली। मूसली होता है, म्यूसली होता है, मूसली। मूसली और आप क्या हो? चूसली। क्या बोला? गलत बोला है आपने। ये हम खा रहे हैं म्यूसली और आप क्या हो? चूसली। मैं मूसली हूँ क्या?
यार ये जल्दी ठंडी हो गई, बहुत तेज हवा चल रही है, उससे पहले ठंडी हो ये जानी चाहिए पेट के अंदर।